हालचाल, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टार्स विजन क्लासेस पर, जिस पर आप सभी पढ़ते हैं बीएससी के लिए जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री, जिसमें कि आज हम आप सभी के लिए बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की जूलॉजी क्लास लेकर आए हैं, जिसमें आपकी बुक चल रही है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी, जिसमें कि आज हमारा लेक्चर 18 है। इससे पहले की 17 लेक्चर्स हमारी हो गई है, जो सारी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है, आप सभी चाहें तो आज जाकर देख सकते हैं। तो इस बुक में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम यूनिट 2 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा टीनोफोरा 2 निमेट हेलमिंथीज, जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एस्केरिस, जो कि निमेट हेलमिंथीज का मेंबर है। इससे पहले हमने एस्केरिस के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात कर ली है, आज की इस वीडियो में हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक क्या होने वाला है हमारा, सबसे पहला टॉपिक है हमारा टेस्टिस। टेस्टिस की बात हम करेंगे, फर्स्ट पॉइंट है हमारा टेस्टिस। द टेस्टिस इज अ लॉन्ग थिन कॉइल्ड एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि जो एस्केरिस का टेस्टिस होता है वह लॉन्ग थिन कॉइल्ड एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, धागेनुमा संरचना होती है। द टेस्टिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू थ्री पार्ट्स, यानी कि जो टेस्टिस होता है वह थ्री पार्ट्स में डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। जो एस्केरिस का टेस्टिस होता है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट क्या होता है, इंटीरियर सॉलिड पार्ट, सेकंड होता है मिडिल पार्ट, एंड थर्ड होता है पोस्टीरियर पार्ट। इसके बाद सेकंड पार्ट क्या है इसका, वास डिफरेंस। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सेकंड पार्ट है वास डिफरेंस। द वास डिफरेंस इज एज वाइड एज द टेस्टिस, यानी कि जो वास डिफरेंस होता है वह टेस्टिस जितना ही वाइड होता है। एंड और टू कैन नॉट बी मार्क्ड एक्सटर्नली, और इन दोनों को बाहरी रूप से मार्क नहीं किया जा सकता, बाहरी रूप से पहचाना नहीं जा सकता वास डिफरेंस और टेस्टिस को अलग अलग। इट इज़ वेरी शॉर्ट एंड लीड्स इनटू सेमिनल वेसाइकल, या बहुत छोटी संरचना होती है और यह सेमिनल वेसाइकल तक जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, सेमिनल वेसाइकल की हम बात करेंगे वेसिकुलर सेमिनेलिस की, जिसे कि सेमिनल वेसाइकल भी कहते हैं। द वेसिकुलर सेमिनेलिस इज अ वाइट ट्यूब, यानी कि यह एक वाइट ट्यूब होती है, प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो कि एस्केरिस की बॉडी के पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होती है। इट जॉइंस द इजेकुलेटरी डक्ट, और जो वेसिकुलर सेमिनेलिस होती है वह इजेकुलेटरी डक्ट को ज्वाइन करती है, यानी कि यह इजेकुलेटरी डक्ट तक प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट पार्ट क्या है, इजेकुलेटरी डक्ट। इट इज अ शॉर्ट नैरो बट मस्कुलर ओपनिंग, यह छोटी सकरी बट मस्कुलर ओपनिंग है इनटू द क्लोएका, क्लोएका में यह छोटी सकरी और मस्कुलर ओपनिंग है जो कि क्लोएका में खुलती है। विच लीड्स आउटसाइड बाई क्लोएकल ओपनिंग, जो कि बाहर की तरफ किसके द्वारा पहुंचती है, या बाहर की तरफ क्लोएकल ओपनिंग के द्वारा पहुंचती है। जो इजेकुलेटरी डक्ट होती है वह आउटर साइड में किसके द्वारा खुलती है, क्लोएकल ओपनिंग द्वारा या आउटर साइड में खुलती है। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो लास्ट पार्ट है वो है पेनियल सैक्स, बात करेंगे हम उसकी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लास्ट पार्ट क्या है, पेनियल सैक्स। पेनियल सैक्स की हम बात करेंगे, द पेनियल सैक्स आर पेयर्ड मस्कुलर पॉकेट लाइक आउटग्रोथ्स फ्रॉम द डॉर्सल वॉल ऑफ क्लोएका, यानी कि जो पेनियल सैक्स होते हैं यह पेयर्ड और मस्कुलर पॉकेट लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं, जो कि क्लोएका के डॉर्सल वाल से निकलते हैं, यानी कि क्लोएका के डॉर्सल वाल से पेयर्ड मस्कुलर पॉकेट लाइक आउटग्रोथ्स निकलते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम पेनियल सैक्स के नाम से जानते हैं। ईच कंटेन अ काइटेनियस क्लब शेप्ड प्रोट्रैक्टाइल स्पीक्यूल और पेनियल सीटा, यानी कि जो ईच पेनियल सैक्स होता है, प्रत्येक पेनियल सैक्स कंटेन करता है एक काइटेनियस क्लब शेप्ड प्रोट्रैक्टाइल स्पीक्यूल, यानी कि यह एक प्रोट्रैक्टाइल स्पीक्यूल कंटेन करता है, जिसे कि पेनियल सीटा के नाम से भी जानते हैं। ईच यानी कि प्रत्येक पेनियल सैक्स एक क्लब शेप्ड प्रोट्रैक्टाइल स्पीक्यूल या फिर पेनियल सीटा को कंटेन करता है। ईच पेनियल सीटा हेल्प द ट्रांसफेरेंस ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग कॉपुलेशन, यानी कि पेनियल सीटा का क्या वर्क होता है, जो ईच पेनियल सीटा होता है, प्रत्येक पेनियल सीटा जो होता है वह स्पर्म के ट्रांसफेरेशन में हेल्प करता है कॉपुलेशन के दौरान, यानी कि जब कॉपुलेशन होता है एस्केरिस का, उस दौरान जो पेनियल सीटा होता है वह स्पर्म के ट्रांसफेरेशन में, स्पर्म्स के ट्रांसफर में हेल्प करता है। इसके बाद हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स की। तो आइए जानते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है एस्केरिस का। बात करेंगे एस्केरिस की फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, कि कैसा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो होता है एस्केरिस के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो होता है ओवरी। ओवरी को जानेंगे हम कि कैसा होता है।
दीज आर लॉन्ग थ्रेड लाइक एंड कॉइल्ड स्ट्रक्चर, यानी कि यह लॉन्ग थ्रेड लाइक यानी कि धागे नुमा संरचना होती है जो कि कॉइल्ड होती है। कॉइल्ड स्ट्रक्चर ऑक्यूपाइंग पोस्टीरियर वन थर्ड ऑफ द बॉडी, जो कि एस्केरिस के पोस्टीरियर पार्ट का एक तिहाई भाग कवर करता है, यानी कि जो ओवरी होता है एस्केरिस में वह लॉन्ग थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि इसके पोस्टीरियर पार्ट का एक तिहाई भाग कवर कर लेता है। ईच पासेस इनटू द ओविडक्ट, और जो प्रत्येक ओवरी होता है वो ओविडक्ट तक जाता है, यानी कि ओवरी जो होता है वो ओविडक्ट में खुलता है। ओविडक्ट को जानेंगे हम कि ओविडक्ट कैसा होता है। द ओविडक्ट्स आर टू थिन डक्ट वेरी सिमिलर टू द ओवरीज, यानी कि जो ओविडक्ट होता है वो टू थिन यानी कि दो पतली डक्ट होती है, नलिका होती है, जो कि ओवरी के समान ही होती है, ओवरी से बहुत ही मिलती जुलती संरचना होती है। दीज ओपन इनटू द यूट्राई, यानी कि ये जो ओविडक्ट होता है यूट्राई या फिर यूट्रस में ओपन होता है। ओविडक्ट जो होता है वह यूट्राई या फिर यूट्रस में ओपन होता है। तो थर्ड पार्ट क्या होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, यूट्रस। यूट्रस की बात करेंगे हम। ईच ओविडक्ट लीड्स इनटू अ लॉन्ग वाइड एंड मच कॉइल्ड यूट्रस हैविंग मस्कुलर वॉल, यानी कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो ओविडक्ट होता है वो यूट्राई में ओपन होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ईच ओविडक्ट लीड्स इनटू अ लॉन्ग वाइड एंड मच कॉइल्ड, यानी कि यूट्रस कैसा होता है, लॉन्ग होता है, वाइड एंड मच कॉइल्ड होता है। अधिक कुंडलित संरचना होती है जिसमें कि ओविडक्ट ओपन होता है या फिर जहाँ तक ओविडक्ट प्रेजेंट होता है वह लंबी वाइड एंड बहुत ही कुंडलित मच कॉइल्ड संरचना होती है जिसे हम यूट्रस कहते हैं। हैविंग मस्कुलर वॉल, जिसमें कि मस्कुलर वॉल प्रेजेंट होती है, यानी कि यूट्रस में मस्कुलर वॉल प्रेजेंट होती है। एस्केरिस के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये थ्री पार्ट्स थे। सबसे लास्ट पार्ट इसका क्या है, वेजिना, उसकी बात करेंगे हम। बात करेंगे वेजिना की, एस्केरिस का वेजिना कैसा होता है, ये जानते हैं। द टू यूट्राई यूनाइट टू फॉर्म अ वेजिना, यानी कि दो यूट्राई मिलकर क्या करते हैं, वेजिना का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि वेजिना के फॉर्मेशन के लिए दो यूट्राई का यूनाइट होना इम्पॉर्टेंट होता है। तो जो दो यूट्राई होते हैं वो मिलकर वेजिना बनाते हैं, वेजिना को फॉर्मेशन करते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब, यानी कि यह एक छोटी मस्कुलर ट्यूब होती है। लीडिंग टू द एक्सटीरियर बाई फीमेल गोनोपोर, यानी कि यह बाहर किसके द्वारा खुलती है, यानी कि बाहर की तरफ किसके द्वारा ओपन होती है, फीमेल गोनोपोर के द्वारा। लीडिंग टू द एक्सटीरियर, बाहर के साइड फीमेल गोनोपोर के द्वारा खुलती है या फिर फीमेल गोनोपोर के द्वारा बाहर की तरफ पहुंचती है। जो वेजिना होती है शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब होती है, यह फीमेल गोनोपोर द्वारा बाहर की तरफ पहुंचती है या फिर बाहर की तरफ खुलती है। सिचुएटेड मिड वेंट्रली एट द जंक्शन ऑफ इंटीरियर एंड मिडिल थर्ड ऑफ द बॉडी, और जो गोनोपोर होता है वह कहाँ प्रेजेंट होता है, सिचुएटेड मिड वेंट्रली प्रेजेंट होता है एट द जंक्शन ऑफ इंटीरियर और मिडिल थर्ड ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी का जो मिडिल पार्ट होता है उसका उसके तिहाई वाले भाग और जो इंटीरियर पार्ट होता है उसके जंक्शन पर यह मिड वेंट्रली प्रेजेंट होता है, जो गोनोपोर होता है उसके द्वारा वेजिना जो होता है वो बाहर के साइड खुलता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी को एस्केरिस का रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसके डेवलपमेंट और लाइफ हिस्ट्री की बात हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बी रेडी फॉर अवर नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। सबसे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आप सभी को सारे वीडियोस टाइम से मिलती रहें, और आप सभी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। थैंक्स।